जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको 540 पद पर फॉर्म को फिल करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर अभी जो वेबसाइट देख पा रहे हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन कर लेते हैं तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर आप को इसकी पोस्ट के बारे में जानने को मिलेगा, आपकी एज लिमिट के बारे में जानने को मिलेगा और इसमें बेसिकली 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहां पर आप लोग इस फॉर्म को 25 अक्टूबर 2022 तक भर पाएंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर इस टेबल में देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता और कंप्यूटर टाइपिंग मांगी है मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पर, और एएसआई की पोस्ट पर आपसे मांगी है स्टेनोग्राफी, जिसकी डिटेल यहां पर दी गई है। तो ये सब जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे, और आपको यहां पर अगर सिलेबस की जानकारी चाहिए तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो को वॉच करके आप लोग सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर लेफ्ट साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको अपना नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखना है, फिर आपको इस नाम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। देन यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर हाँ तो आपको यस करना है। यस करने पर आपने जो नाम चेंज किया है वो चेंज नाम यहाँ पर आपको लिखना है, और ऊपर आपको वो नाम लिखना है जो कि पहले आपका था। बट अगर आपने नाम चेंज कभी नहीं किया तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। फिर इसके बाद आपको आपका फादर नेम यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सेम वे में फादर नेम भी वेरीफाई दोबारा डाल करके कर देना है। मदर्स नेम यानी कि आपकी माता जी का नाम, आपको यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर करना है, इसको भी आपको दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहां पर इसके ऊपर क्लिक करना है, और जो भी आपका ईयर है वो आपको यहां पर इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। पहले यहां से आपका जो भी ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, फिर यहां से आपको आपका मंथ और इसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ को आपको यहां पर दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर देना है। फिर आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है, जेंडर को दोबारा डाल करके यानी कि सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। अब ये जो कैप्चा कोड या सिक्योरिटी कोड यहां पर आप देख पा रहे हैं, सिक्योरिटी कोड यहां पर आपको फिल करना है। फिल करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहां पर अभी तक भरी है इनको अच्छे से एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिए, और वेरीफाई करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आ चुकी है, और अभी कुछ जानकारी आपको और भरनी है, जिसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको आपका वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। इस नंबर को आपको दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी एंटर करनी है, क्योंकि इस ईमेल आईडी के ऊपर ही आपको इस भर्ती से जुड़े हुए अपडेट सेंड किए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। इसको एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे दोबारा डाल करके इस ईमेल आईडी को वेरीफाई भी कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद आप यहां पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड देन ये कैप्चा कोड फिल करके इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, और सक्सेसफुल होने के बाद में आप यहां पर अगर इसके होम पेज पर आते हैं तो आपको यहां पर एएसआई स्टेनो एंड एएसआई एचसी एमआईएन यानी कि मिनिस्ट्रियल 2022 इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आप यहां पर वो रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे जो कि अभी आपको मैसेज और ईमेल के माध्यम से मिला है, और जो पासवर्ड आपको मिला है वो भी आप यहां पर फिल करेंगे, एंड कैप्चा कोड फिल करके आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्लिक हियर टू अप्लाई एएसआई स्टेनो यहां पर क्लिक करना है। ये आपके सामने इंस्ट्रक्शंस होंगे, आपको इनको चेक करते हुए कंटिन्यू ऊपर क्लिक करना है। देन यहां पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर में आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है। आपको बोला कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर बोथ पोस्ट शुड ऐड प्रेफरेंस, यानी कि अगर आप दोनों पर अप्लाई करना चाहते तो आप बोथ के पर क्लिक करेंगे, अगर आपको किसी एक पर अप्लाई करना है तो आप वही पोस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहां पर जो आपके आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर जानकारी भरी थी वो जानकारी दी गई है। अब आपको यहां पर आपकी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। नेम ऑफ द स्टेट बिलोंग्स टू, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कहां के आप स्थायी निवासी है, वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। जेंडर आपका यहां पर दिया गया है,
नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। फिर आपसे पूछा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम इसमें 12वीं मांगी है और आपको एलिजिबिलिटी के अंदर इसके बारे में जानकारी दी है, तो आपको बोला कि फैनी पर्सन कंप्लीट 12th इन सिविल देन नो नीड टू अप्लाई फॉर आर्मी एजुकेशन, यानी कि अगर आपने साधारण वे में जो आपकी 12वीं आपने की है तो आप यहाँ पर सिविल सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपका रिलीजन क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा कि क्या आप अंडर द कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ विक्टिम किल्डियन के इसके अंतर्गत आते जो कि 1984 दंगे और 2002 के बीच में मारे गए थे उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो ही रहने दीजिए। अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं यानी कि पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है 12वें पॉइंट में, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो 13 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। 14 पॉइंट में आपको कहा है कि फोर सीआईएसएफ पर्सनल हु इंटेंड टू कम्पीट अगेंस्ट दी वैकेंसीज मींट फॉर लिमिटेड, यानी कि जो एलडीसी वैकेंसी है क्या आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं, आप सीआईएसएफ से जुड़े हुए कैंडिडेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। 15 पॉइंट है कि वेदर यू आर एन एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर दी गई जो कि आपने अभी रजिस्ट्रेशन के वक्त में भरी थी। फिर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है, तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई परमानेंट मार्क है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं। तो आपको दो विकल्प दिए, अगर कोई मार्क है तो लिख दीजिए, सेकेंड में आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिए अगर सिर्फ आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ही परमानेंट मार्क है। फिर 18 पॉइंट है आपका परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहां पर भर दीजिए, मैं एक रैंडम एड्रेस आपको फिल करके दिखा रहा हूं। स्टेट यहां से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है, उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी है, और पिन कोड आपको यहां पर अपना एंटर कर देना है। फिर अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस यानी कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप यहां पर टिक कर देंगे। देन यहाँ पर आपको जानकारी वेरीफाई करनी है। फिर आता है 22 पॉइंट, मीडियम ऑप्टेड फॉर स्किल टेस्ट टाइप या फिर टाइपिंग टेस्ट, तो कौन से मीडियम में आप ये देना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। टाइप ऑफ आईडी कार्ड, कोई एक आईडी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है उसका नंबर आपको दे देना है। इसके बाद 24 पॉइंट है कि वेदर द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ टेकन, यानी कि फोटोग्राफ के ऊपर आपकी डेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो इसका मतलब है कि जो आपका फोटोग्राफ है उसके पर आपने डेट लिखी है कि किस डेट में आपने इस फोटो को लिया है। Have you ever been convicted by any court, क्या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, कोई किसी केस में आप दोषी पाए गए हो, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। Have you ever been dismissed from any service under the central state government, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। Have your service ever been terminated, यानी कि किसी सर्विस में आप रहे हो गवर्नमेंट में और आपको टर्मिनेट किया गया हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करना है। इसके बाद आफ्टर क्लिक ऑन द सबमिट बटन, अभी आपको यहां पर टिक करना है और इन सभी जानकारी को वेरीफाई करके सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अब यहां पर दोस्तों आपके सामने आपकी जानकारी का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि अगर आपने कोई जानकारी चेंज करनी है तो आप इसको अभी भी कर सकते हैं एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके, और अगर आपको सभी जानकारी सही लग रही है तो आप यहां पर टिक करेंगे और फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहां पर आपके सामने एप्लीकेशन प्रीव्यू में जो 10th की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है, जिसका फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है, साइज 1 MB से कम रहना चाहिए। जो आपकी 12वीं की मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। फोटो आपको अपलोड करना है जहां पर बोला कि ड्यूली डेटेड ऑन फोटोग्राफ टेकन, यानी कि किस डेट में आपने फोटो को लिया उसके ऊपर वो डेट लिखी होनी चाहिए, और आपका फोटो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें और जहां पर आपकी 10th की मार्कशीट है वो फाइल आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहां पर मैंने फाइल सेलेक्ट कर लिया और फिर मैं यहां पर अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूं, तो आपकी फाइल इस प्रकार से अपलोड हो जाएगी। फिर आपको सेम तरीके से आपकी 12th की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल है सेम वे में आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जिसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि पीडीएफ में रहना चाहिए, और फिर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये फाइल भी यहां पर अपलोड हो जाएगी। अब आता है आपका फोटो, जिसके ऊपर जैसे कि मैंने कहा कि डेट भी लिखी होनी चाहिए, जैसे कि यहां पर भी आपको मेंशन किया है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपका फोटो है जिसके ऊपर डेट लिखी है वो फोटो आप लोग यहां से इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आप यहां पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो यहां पर अपलोड होकर के आ जाएगा।
और फिर यहाँ पर आप सेम वे में आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर गाइज ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं और अगर आप इनको व्यू करके चेक करना चाहते तो आप व्यू फाइल के ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं तो आपको 100 रुपये फीस पे करनी है और फी पे करने के बाद ही आप यहां पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। बट यहां पर मैंने SC ST से भरा है और इनके लिए कोई फीस नहीं, इसलिए यहां पर डायरेक्टली प्रिंट एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आ गया है। तो आप देख लीजिए आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। अब आप यहां पर इसको प्रिंट कर लीजिए प्रिंट के ऊपर क्लिक करके, और इस प्रकार से आप लोग CISF हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड ASI स्टेनो ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।